हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऐसा टॉपिक जो कि पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जिस तरीके से आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है हो ब -हु, उसी तरीके से मैंने लिखा है और आप पॉज करके साथ के साथ लिखते रहिए चलिए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ जे बी स रिकार्डो जे एस मिल मार्शल पीगो एट्सट्रा एट्सेट्रा सिंपल वर्ड्स में जो क्लासिकल थ्योरी है वो किसी एक इंसान की देन नहीं है वो उस टाइम के जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी बातों को मिला के बनाई गई है समझ समझिए बात तो आगे चलता हूँ पैराग्राफ चेंज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो हमेशा यही मान के चलते थे कि इकॉनमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है टू दैन फुल इम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल फीचर एंड एनी डिविएशन फ्रॉम दिस इज रिकार्डेड या फ्राम दिस इज़ रिकार्ड एज समथिंग एब नॉर्मल उनको ये लगता था कि अगर फुल इम्प्लॉयमेंट है तो ठीक है अगर फुल इम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये एब नॉर्मल चीज़ है ठीक है अकॉर्डिंग टू द पीगो पीगो क्या कहते थे द टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज टू ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द लेबर मार्केट वैन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल तो पीगो का ये कहना था इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक तरीका ही ऐसा है ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि अगर हल्का सा भी फुल इंप्लॉयमेंट से डेविएट हो गया तो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर अपने आप खुद को चेंज करके फुल इंप्लॉयमेंट पे मेंटेन कर लेंगी अपने आप को कैसे करेंगी वो मैंने थ्योरी में बताया हुआ है द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी इज सेज लॉ ऑफ मार्केट मार्केट्स विच वॉज कैरिड फॉरवर्ड विच वॉज़ कैरिड फॉरवर्ड बाय क्लासिकल इकोनमिट लाइक मार्शल एंड पी तो पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी किस पे बेस्ड है ये पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी सेज लॉफ मार्केट पे बेस्ड है और सेज लॉफ मार्केट कहता है सप्लाई कर दो डिमांड अपने आप ही हो जाएगी क्यों अगर हम किसी चीज़ को सप्लाई करेंगे ये ये थ्यूरी कहती है सेज लॉ कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ को सप्लाई करते हैं उसके लिए हम रॉ मटीरियल या जो लेबर्स हैं उनको हायर करते हैं जब उनको तनख्वाह देंगे और रॉ मटीरियल्स वालों को पैसे देंगे तो वो अपने आप मार्केट में जाकर खरीद लेंगे तो सप्लाई और डिमांड हमेशा बराबर होगी हालांकि इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है केंज ने ठीक है अब इस थ्योरी की एजम्शन जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखी आपने फाइव सेवन लाइन की इंट्रोडक्शन लिखनी है सेकंड नंबर पर आपने लिखनी है एजम्पन एजम्शन तो क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विब्रियम या फुल एम्प्लॉयमेंट होगा विदाउट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन नहीं होगी फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहेगा लेस इज फेयर इन द इकॉनमी इसका मतलब यह है कैपिटलिस्ट इकॉनमी हुई और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस एकदम ना के बराबर होगी ठीक है नेक्स्ट क्लोज इकोनॉमी मतलब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा परफेक्ट कंपटीशन इन द लेबर मार्केट एंड गुड्स मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट वहां पे परफेक्ट कंपटीशन होगा लेबर इज होमोजीनियस मतलब लेबर की जो क्वालिटी है वो सेम रहेगी टोटल आउटपुट इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मतलब जितनी भी टोटल आउटपुट है वो या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट को मिला के बनेगी नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ मनी इज गिवन एंड मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑनली जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो गिवन होगा और जैसे जैसे जो मनी है उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो वर्फ एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होगा स्टोर ऑफ वैल्यू पे जोर किसने दिया था केंज नहीं नेक्स्ट आ जाता है वेजेज एंड प्राइजेज जो हैं वो फ्लेक्सीबल रहेंगे सिचुएशन के चेंज होने से चेंज होंगे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द पार्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होगी इसको आप अदर uh, लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही तो परफेक्ट नॉलेज होती है ना मनी वेजेस एंड रियल वेजेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्टली रिलेटेड एंड प्रपोर्शनल जो मनी वेजेस हैं और जो रियल वेजेज हैं मनी वेजेस जो आपको तनख्वाह मिली ऑफिस से रियल वेजेस उसमें में से जो आपने खर्चा किया परचेजिंग पावर ठीक है उनमें डायरेक्ट एंड प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप है

टेक्नोलॉजी है उसको भी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स इन द प्रोडक्शन प्रोडक्शन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगेंगे इसका मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाओगे टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी मगर डिमिनिशिंग रेट से और लास्ट एजम्शन है इट एज्यूम्स लॉन्ग रन जितनी भी क्लासिकल थ्यूरी सेज लॉ बेस्ड है वो सबके सब लॉन्ग रन पे बेस्ड हैं तो ये मैंने फोर्टीन एजम्शन लिखी हैं आप इनमें में से कोई नाइन या टेन लिख सकते हैं अब आ जाता है एक्सप्लेनेशन थ्योरी की एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखना है अगर आपको पसंद आया है, तो पॉज करके लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं

और डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर गिवन द कैपिटल स्टॉक अगर कैपिटल स्टॉक गिवन है और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज या टेक्नोलॉजी भी गिवन है एंड अदर फैक्टर्स अ प्रिसाइज रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टोटल आउटपुट एंड द अमाउंट ऑफ लेबर तो वो ये कहते थे प्रोडक्शन फंक्शन किस पे डिपेंड करता है क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड एन एन क्या है एम्प्लॉयमेंट या लेबर तो वो कहते थे अगर कैपिटल और टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट कर दें तो प्रोडक्शन फंक्शन और जो एन है एम्प्लॉयमेंट उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है कैसे वो मैंने नीचे करके बताया तो मैंने ये लिख दिया अब आपको थोड़ी शेखी भी तो मारनी है ना टीचर के सामने इंप्रेशन भी तो मारना है तो आपने ये डब्बासा बना दिया और नीचे लिख दिया वेयर के इज टोटल आउट क्यू इज़ टोटल आउटपुट के इज़ कैपिटल स्टॉक टी इज़ टेक्निकल नॉलेज एंड एन इज़ द नंबर ऑफ वर्कर्स जो ऊपर की लिखी है उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया नीचे क्या क्या है ठीक है गिवन द वैल्यू ऑफ के एंड टी अगर के और टी को हम कॉन्स्टेंट मान लें मैं यहाँ क्यू लिखा हुआ था वो उड़ गया मतलब कैपिटल और टेक्नोलॉजी को हम कॉन्स्टेंट मान लें ठीक है तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है प्रोडक्शन फंक्शन बिकम्स दिस अगर k ये वाला और t इसको कांस्टेंट मान ले तो जो प्रोडक्शन है वो तो सिर्फ n पे डिपेंड हो गई ना विच शोज दैट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स ऑनली तो जो भी आउटपुट है वो नंबर ऑफ वर्कर्स पे ही डिपेंड करेगी आउटपुट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाएंगे आउटपुट इंक्रीज होगी ठीक है मगर डिमिनिशिंग रेट से कैसे है? वो मैंने डायग्राम से बनाया बट आफ्टर अ पॉइंट वैन मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न टू लेबर स्टार्ट अब ध्यान से समझना इसको पहले मैंने क्या किया था मैंने पहले इतनी इम्प्लॉयमेंट लगाई थी एन वन तक और आउटपुट थी क्यू वन तक फिर क्या हुआ मैंने फुल इम्प्लॉयमेंट तक आउटपुट बढ़ाई आउटपुट कितनी बढ़ाई फुल इम्प्लॉयमेंट तक तो जब तक मैंने फुल इम्प्लॉयमेंट तक बढ़ाई आउटपुट मतलब इम्प्लॉयमेंट नीचे से आउटपुट भी बढ़ के क्यू वन से क्यू एफ तक हो गई क्यू एफ तक ठीक है मगर जब मैंने फुल इम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा लोगों को जॉब्स दी मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई तो टोटल आउटपुट बढ़ी मगर उतनी नहीं बढ़ी जितनी पहले बढ़ी थी तो ये क्या दिखाता है हमें डिमिनिशिंग रिटर्न यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अगर हम इंप्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी तो आउटपुट बढ़ती है मगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है समझ के बाद आप इसको पॉज करके साथ के साथ भी नोट कर सकते हैं तो ये तो था Uh, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वाला इसके अंदर सेकेंड कॉन्सेप्ट आ जाता है लेबर मार्केट इक्लेब्रियम अब लेबर मार्केट इक्लिब्रियम कैसे होता है इन लेबर मार्केट द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर डिटर्मिन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट तो कितना आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट होगा लेबर मार्केट में वो कौन डिटर्मिन करेगा डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर द क्लासिकल इकोनॉमिस रिगार्ड डिमांड फॉर लेबर एज अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस वो कहते थे जो डिमांड फॉर लेबर है वो रियल वेजेस पे डिपेंड करता है अब इसमें डीएल तो डिमांड फॉर लेबर हो गया डब्ल्यू हो गया मनी वेजेस जो आपको तनख्वाह मिलती है जो आपको तनख्वाह जहाँ पे आप काम करते हो वो और पी हो गया प्राइस लेवल तो जब भी जो आपको वेज है उसको डिवाइड करते हैं प्राइस लेवल से तो वो आपको रियल वेजेस बन जाती है मतलब परचेजिंग पावर बन जाती है तो क्लासिकल्स कहते थे डिमांड फॉर लेबर इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वेजेस तो जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा रियल वेजेस गिरेंगी डिमांड फॉर लेबर गिरेगा रियल वेजेस बढ़ेंगी नेगेटिव रिलेशन है तो मैंने ये वाली क बनाई है जिसमें मैंने शो किया हुआ है कि यह डाउनवर्ड स्लोपिंग है मतलब देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर लेबर एंड रियल वेजेस नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई ऑफ लेबर सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो या सप्लाई ऑफ लेबर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रियल वेजेस ये भी रियल वेजेस पर डिपेंड करती है सप्लाई ऑफ लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस अगेन मगर इसमें क्या है रिलेशन पॉजिटिव है ये इसका इंक्रीजिंग फंक्शन है सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा जब रियल वेजेस बढ़ेंगी और सप्लाई ऑफ लेबर गिर जाएगा अगर रियल वेजेस गिर जाएंगी ये क्लासिकल्स कहते हैं अब ये रियल वेजेस क्या होता है ये क्या होता है वो मैंने माइक्रो में एक्सप्लेन किया हुआ पूरा wages का पूरा वेजेस का चैप्टर है उसमें कंसेप्ट है तो जहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशन होता है आपको ये पता है ना स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग जाती है तो ये मैंने अपवर्ड स्लोपिंग कब बनाई

पूरी की पूरी क्लासिकल एंड सेज लॉ क्या कहती थी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है वेजेस और प्राइजेज अपने आप को खुद ही जो है एडजस्ट कर लेंगे कैसे करेंगे ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है मगर आपको पता है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेगी ठीक है ना और शायद ही कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर हो जिसमें क्लासिकल थ्योरी ना आती हो ठीक है या क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता इसलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्लासिकल इकोनॉमिक बिलीव दैट देयर वाज ऑलवेज फुल इंप्लॉयमेंट इन द इकॉनमी क्योंकि क्लासिकल्स ये मान के चलते थे कि इकोनॉमी में हमेशा फुल इंप्लॉयमेंट रहती है इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुई अ कट इन द वेजेस वुड टेक द इकोनमी टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये कहते थे वैसे तो फुल इम्प्लॉयमेंट होती है अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आई कि फुल इम्प्लॉयमेंट से इकॉनमी गिर गई अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई तो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उस केस में वेजेस गिर जाएंगी वेजेस के गिरने से डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी क्योंकि जब भी वेजेस सस्ती होंगी तो आपने जहाँ चार लोगों को जॉब्स देनी है आपको कि चार की जगह दस रख ले काम तो फटाफट से कराएं तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी और लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई के बराबर आ जाएगी समझ गए ना बात तो लेबर की डिमांड बढ़ने से फुल इम्प्लॉयमेंट फिर से रिटेन हो जाएगी नेक्स्ट दिस आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पन दै देर इज अ डायरेक्ट एंड प्रपोशनेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेजेस एंड रियल वेजेस ये जो आर्गूमेंट है क्लासिकल थ्योरी का ये इस एजम्पन पे बेस्ड है कि मनी वेजेस और रियल वेजेस में डायरेक्ट एंड परपोर्शनेट रिलेशनशिप है आप जानना चाहते हैं मनी वेज रियल वेज में शुरू से बोलता जा रहा हूँ अगर आपने पीछे वीडियो देखी या यही वाली तो आपको पता होगा मनी वेज और रियल वेजेस क्या होती हैं नेक्स्ट वेन मनी वेजेस आर रिड्यूस्ड जब भी मनी वेजेस को रिड्यूस किया जाता है आ, दिस लीड टू या दे लीड टू रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी मनी वेजेस गिरती है उससे क्या होता है तनखाएं कम है तो प्रोड्यूसर्स को कम तनख्वाही देनी है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी एंड कंसिक्वेंटली लोअर प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट तो जब उसकी कॉस्ट गिर जाएगी तो वो कंपीट करने के लिए अपनी जो चीज़ों के प्राइज हैं वो कम कर देगा व्हेन द प्राइज फॉल जब भी प्राइस गिर जाएंगे डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज जब प्राइस गिरेंगे तो उस चीज़ के जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी एंड सेल्स बढ़ जाएंगी ठीक है मैं उल्टा बोल गया शायद जल्दी जल्दी में जब भी कॉस्टिंग कम होगी कॉस्टिंग कम होने की वजह से क्या होगा प्राइजेस गिर जाएंगे और प्राइजेस कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज होगी तो सेल्स तो जानी है ना ऊपर इंक्रीज सेल्स विल नेसेसिटेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर लेबर एंड अल्टीमेटली फुल एम्प्लॉयमेंट विल बी अटेंड तो जैसी डिमांड चीज़ों की बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी सेल्स बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर वो ज्यादा माल बनाएगा उसके लिए जॉब्स ज्यादा क्रिएट करनी ही पड़ेंगी इकॉनमी फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जाएगी अब अगर नेक्स्ट देखें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स जो वेज होती है इट इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगर आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ से आई है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेज के चैप्टर में से निकली एक क्वेश्चन ठीक है वे डब्ल्यू इज द मनी वेज रेट पी इज द प्राइस लेवल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड एम पी एल इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगर हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करें तो अगर हम ये जो W डिवाइडेड बाय प्राइस कर दें तो हमें मिल जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का फार्मूला अब इसके अंदर मैंने क्या दिखाया हुआ है इसके डायग्राम में मैंने ये दिखाया है डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर जहां पे दोनों कट करते हैं वो इक्लिब्रिम ये हो गया इक्लिब्रम रियल वेजेस और इसके सामने फुल इंप्लॉयमेंट अब फुल इंप्लॉयमेंट के सामने अगर मैं नीचे तक डायग्राम लेके जाऊँ तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आ गई तो ये कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर मैं फुल इंप्लॉयमेंट लिख देता हूँ एन <coughs> तो ये बताया गया है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है ये फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने ही डिटरमिन होती है जो कि क्लासिकल कहते हैं आप इस डायग्राम को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो साइड पे कि एक्स एक्सिस पे ऐसा था वाई एक्सिस पे वैसा था वगैरह वगैरह तो इसमें यह दिखाया हुआ है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे डिटर्मिन की जाती है जो डिमांड सप्लाई के सामने आ रही है जो उसके कारोस्पॉन्डिंग है नेक्स्ट आ जाता है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो शो करना है द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होता है जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स व्हाट इज नॉट स्पेंट इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड द सेविंग्स मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वो ये कहते थे कोई भी आपकी तनख्वाह का वो हिस्सा जो आपने सेव नहीं किया वो आपने इन्वेस्ट कर लिया ठीक है क्लासिकल ऐसा कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता कीन्स ऐसा कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता मगर क्लासिकल्स ये कहते थे कि आप अपनी तनख्वाह का जो हिस्सा सेव नहीं करोगे वो इन्वेस्ट करोगे मगर जो कीनीजियन है इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते थे ठीक है वो स्पीड में बोलते बोलते कभी कभी उल्ट पुलट हो जाता है क्योंकि मुझे ये लिमिटेड टाइम में टॉपिक खत्म करना है इफ़ देर इज़ एनी डाइवर्जेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट द इक्वालिटी इज मेंटेन्ड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं फिर तो इक्विलिब्रियम है ही है अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हल्की सी भी डिस्टर्बेंस होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके इनमें इक्वालिटी लाई जा सकती है बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं तो मैंने लिखा है सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मगर रिलेशन क्या है पॉजिटिव मतलब जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग बैंकों में ज़्यादा सेव करेंगे एफ डी कराना शुरू कर देंगे पैसे डिपोजिट कराएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग कहेंगे बैंक में पैसे रख के क्या फ़ायदा कुछ और करते हैं सेविंग्स गिर जाएंगी और ये जो uh, क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हर कोई लोन लेगा तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग लोन्स कम कर देंगे और इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा ठीक है तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर सेविंग जो इंटरेस्ट है वो आपको तभी मिलता है जब आप बैंकों में पैसे सेव करते हो ठीक है हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर द सेविंग्स एंड लोअर द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वाइस एवसा तो यही बताया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेंगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट गिरती ही है इफ एट एनी टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ठीक है और सेव कोई कर नहीं रहा इस सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप चेंज होगा कैसे होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से दो रिजल्ट निकलेंगे एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो महंगे रेट पर लोग लोन्स नहीं लेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इन्वेस्टमेंट का ये गिर जाएगा और लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे और ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट गिर जाएंगे और सेविंग बढ़ जाएंगी इस हिसाब से कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी आ जाए और अगर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट अगर उल्टी सिचुएशन है उसके लिए मैंने वाई से वर्षा लिख दिया तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ऑन द अदर एंड अगर इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप गिर जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के गिरने से लोग सेविंग कम करना शुरू कर देंगे और लोन्स लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे दिस एडजस्टमेंट विल हैपन टिल वी रीच द फुल इंप्लायमेंट लेवल तो ये तब तक, तक चलता रहेगा जब इकोनॉमी में इक्विब्रम ना आ जाए तो ये सेविंग का है ये इन्वेस्टमेंट का है सेविंग का पॉजिटिव लेशन होता है इसलिए ऊपर को बनाई हुई है इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव लेशन इसलिए नीचे को बनाइए जहाँ ये दोनों कट करते हैं वो इक्लिब्रम इसके सामने ये इक्विब्रम रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये इक्विब्रिम लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट आ जाता है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है चलिए शुरू करते हैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इन द क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी व्हिच स्टेट्स दैट द जनरल प्राइस लेवल पी इन द इकोमी डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑफ मनी तो बेसिकली मनी मार्केट इक्विलिब्रियम जो क्लासिकल थ्योरी की क्वांटिटी थ्योरी जो है उस पर बेस्ड है जो ये बताता है कि जो भी जनरल प्राइस लेवल है मतलब ओवरऑल प्लाई प्राइस लेवल है वो किस पे डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब मनी की सप्लाई पे डिपेंड करता है तो ये कैसे है? आपको पता है क्वांटिटी थ्योरी है फिचर्स एक्सचेंज की भी है कैम्ब्रिज की भी है वो कहते हैं एम वी इज इक्वल्स टू पी टी एम भी मतलब सप्लाई ऑफ मनी इज़ ऑलवेज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी बल्कि ये तो कहता है कि जितना जो है मनी की क्वांटिटी इकोनमी में ज़्यादा छोड़ेंगे उतने परसेंट ही प्राइस बढ़ जाएगा मतलब देर इज़ अ डायरेक्ट एंड प्रपोशनल रिलेशनशिप ये थ्योरी कहती है तो ऊपर वाली इक्वेशन में जो एम है वो सप्लाई ऑफ मनी है वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ मनी है ठीक है और पी प्राइस लेवल है और टी है वॉल्यूम या फिर ट्रेड ट्रांजेक्शन या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कुछ भी कह सकते हो द इक्वेशन इक्वेशल्स दैट द टोटल सप्लाई ऑफ मनी एम वी ये जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी है एम वी इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि है पी टी इन द इकोनमी एज्यूमिंग दैट वी एंड टी टू बी कॉन्स्टेंट अब क्या कर रहे हैं अगर वी और टी को कॉन्स्टेंट ले लें यहाँ से वी को कॉन्स्टेंट ले लें यहाँ से टी को कॉन्स्टेंट ले लें तो एम और पी में डायरेक्ट एंड परपोर्शनेट रिलेशनशिप है जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही प्राइस लेवल बढ़ेगा द प्राइज लेवल इज अ फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई दैट इज पी इज द फंक्शन ऑफ एम मैंने इसको थोड़ा डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैंने सबसे पहले ये एम वी कव जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये बनाई है और ये क्वांटिटी ऑफ मनी की कव है ठीक है जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ए पॉइंट पे ये प्राइस लेवल है अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो ये नई कब बन जाएगी जैसे ये नई का बनी तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ हो गया और नया प्राइस लेवल ये आ गया ना पुराना प्राइस लेवल था ओ पी नया प्राइस लेवल ओ पी वन अब आप देखोगे यहाँ पर जितना ये मनी सप्लाई मतलब क्वान्टिटी ऑफ मनी बढ़ी है उतना ही प्राइस बढ़ा है मतलब इसके अंदर ए बी इज इक्वल्स टू P1P. तो कहने की बात है कि जितना हम मनी की सप्लाई को क्वांटिटी को बढ़ाएंगे इकोनोमी में उतना ही प्राइस बढ़ जाएगा ठीक है इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इंग्लिश में आप पॉज करके आप लिख सकते हैं ठीक है तो उसके बाद आ जाता है समरी इस पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी की समरी ठीक है फिर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका तो पहली बहुत हो चुका है ये समरी समरी में सबसे पहले सप्लाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहां कटो करते हैं वो इक्वलिब्रियम अब इक्वलिब्रियम के नीचे देखें तो ये इक्वलिब्रियम के नीचे देखें तो ये प्रोडक्शन फंक्शन चल रही थी प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं बताया था ना आपको तो ये इक्विलिब्रियम के सामने ये फुल इंप्लॉयमेंट फुल इंप्लॉयमेंट के सामने ये डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर समझ गए बात तो ये सब कुछ आमने सामने चल रहा है और यहाँ पे आउटपुट ली हुई है फुल इंप्लायमेंट के सामने जो भी आउटपुट निकलेगी उसी आउटपुट के सामने जितना प्राइस लेवल आता है वो डिटर्मिन हो जाएगा और इसी प्राइस लेवल के सामने ये मनी वेजेस को इंटरसेक्ट करेगा तो ये फोर्टी फाइव डिग्री का हो गया तो ये पाँचों डायग्राम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और अगर आपने ये बना दिया तो समझ लो टीचर तो घायल हो जाएगी आपकी फैन बन जाएगी ठीक है अब आ जाता है क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म में मैंने कोई लंबा चौड़ा कोई पॉइंट्स नहीं लिखे मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं समझाने के लिए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बीस मिनट की होगी है और इतनी लंबी वीडियो लोग नहीं देखते ठीक है तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है अंडर एम्प्लॉयमेंटिक्लिब्रम पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी इस टॉप मतलब इस लेवल पे आ, मतलब बहस करती है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होगी मगर आपको पता है केन्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और कहा है फुल इंप्लायमेंट तो भाई कभी होती नहीं और होती क्या है हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है रेफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट्स ये पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी सेज लॉ ऑफ मार्केट पे बेस्ड है मगर आपको पता है सेज लॉ ऑफ मार्केट कहता है सप्लाई कर दो डिमांड अपने आप ही हो जाएगी मगर असल जिंदगी में सप्लाई कर दो तो डिमांड अपने आप नहीं होती ठीक है अगर ऐसे ही होता तो नाइनटीन ट्वेंटी में डिप्रेशन क्यों आता वर्ल्ड इकोनमी में ठीक है नेक्स्ट है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल ये सेज लॉ और क्लासिकल थ्योरी ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में अपने आप ही डिमांड सप्लाई अपने आप ही सेविंग इन्वेस्टमेंट अपने आप ही एक दूसरे को एडजस्ट करते रहते हैं मगर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता अगर ऐसा हो सब कुछ अपने आप ही एडजस्ट हो जाए तो गवर्नमेंट का क्या रोल बचे अगर ऐसे एडजस्टमेंट हो जाता तो वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन तो कभी आए ना ठीक है ना नेक्स्ट सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट सारी क्लासिकल थ्योरी और सेज लॉ इस पर बेस्ड है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है मगर केन्स कहता है सेविंग अलग होती है और इन्वेस्टमेंट अलग होती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने वाले जो हैंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं तो एक दूसरे को बता के थोड़ी ना करेंगे कि इतनी सेविंग कर रहे हैं उतनी सेविंग कर रहे हैं मोर ओवर ये थ्योरी कहती है कि जो सेविंग्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे मगर केन्स कहते हैं सेविंग्स जो है इनकम पे भी डिपेंड करती है दूसरी तरफ ये थ्योरी कहती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है मगर आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट केन्स की थ्योरी में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे भी डिपेंड करता है मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फिफ्थ पॉइंट है इट इग्नोर्स द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ये पूरी की पूरी थ्योरी ट्रांजेक्शन को जोर दे रही है तो स्पेकुलेशन की तो बात ही नहीं कर रही कि हम स्पेकुलेशन के लिए भी पैसे की डिमांड कर सकते हैं ये भी केंस ने इसकी बुराई की है स्पेक्लेशन में क्योंकि कीन्स का एक स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वो डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस में एक पॉइंट है ठीक है रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये क्वांटिटी थ्योरी कहती है जितनी मनी सप्लाई बढ़ा दो उतने परसेंट ही डायरेक्ट एंड प्रपोशननेट रिलेशनशिप है उतने परसेंट प्राइस बढ़ जाएगा अब जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है केंस भी कहता है ऐसा जरूर थोड़ना ना कि दस परसेंट मनी सप्लाई बढ़ी तो दस परसेंट ही बढ़ेगा ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है नेक्स्ट मनी इज नॉट न्यूट्रल ये पूरी की पूरी थ्योरी कहती है कि मनी न्यूट्रल है मतलब मनी की क्वान्टिटी के चेंज करने से आउटपुट और इंप्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ प्राइस लेवल पे फर्क पड़ेगा केंद्र कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता जब हम मनी की क्वांटिटी में ऊपर नीचे करेंगे तो उससे आउटपुट इंप्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ेगा नेक्स्ट रेफ्यूटेशन ऑफ वेज कट ये पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी और सेज लॉ कहते हैं कि वेज कट करके अगर अंडर इंप्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है तो वेज कट करके हम फुल इंप्लॉयमेंट ला सकते हैं मगर अगर दि दिमाग से सोचो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ डिमांड फॉर लेबर कम है और सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट है ठीक है अगर इस सिचुएशन में हमने वेजेस कम कर दी तो वेजेस कम कर दी तो मार्केट में तो पहले ही डिमांड नहीं है अगर हमने वेजेस कम कर दी तो उनको कम तनख्वाहें जाएंगी और वो कम तनख्वाहें लेके लेबरर जब मार्केट में जाएगा तो कम ही खा पाएगा ना तो ये तो भाई डबल एज्ड स्वाड है एक तलवार है जिसकी दो धारें हैं एक तो हाँ मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी अगर हमने वेज कट किया दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि वो हड़तालों पे बैठ जाएं कि हमने इस रेट पे काम ही नहीं करना मुजाहरा करना शुरू कर दें स्ट्राइक कर दें समझ के बात तो वो कहता था वेज रेट कट से कोई एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है ना वेज रेट कट करना एक पागलपंती है दूसरा पॉइंट आ जाता है नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेज एंड रियल वेज पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी कहती थी मनी वेजेस एंड रियल वेजेस में डायरेक्ट एंड प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप है मगर आपको पता है ऐसा तो होता नहीं है कि जितने परसेंट आपकी मनी वेज बढ़ेगी उतने परसेंट ही रियल वेजेस बढ़ेंगी अगर मार्केट में प्राइजेस भाग गए तो भाई मनी वेजेस के बढ़ने से तो आपको परचेजिंग पावर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा समझ गए ना बात स्टेट इंटरवेंशन इज एसेंशियल पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी और सेज लॉ कहता है कि भाई गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है गवर्नमेंट को कोई काम करना भी नहीं चाहिए इकॉनमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मगर असल जिंदगी में आपको पता है ना डिसक्लेब्रम को या रिसेशन या डिप्रेशन के टाइम पे ऐसी सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ही काम करती है और अगर रिसेशन के टाइम पे या डिप्रेशन के टाइम पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ना करे गवर्नमेंट इंजेक्शन ना करेगी पैसे की तो काम तो तमाम हो जाएगा जैसे जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें कोरोना के टाइम पे जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है और मैंने मेरे कई दोस्त कनाडा में रहते हैं वो कह रहे हैं हमारे को गवर्नमेंट ने इतने इतने पैसे अकाउंट में डाले मैं भी सोच रहा था काश मैं भी कनाडा में रहता और मेरे भी अकाउंट में इतने पैसे आते हैं ठीक है मगर हमारे कंट्री में कुछ भी नहीं हुआ ठीक है मतलब हमें पैसे नहीं मिले नेक्स्ट <laughs> है इट इग्नोर्स द शॉर्ट टर्म एनालिसिस ये पूरी की पूरी थ्योरी लॉन्ग टर्म की है क्लासिकल एंड सेज लॉ और आपको पता है कि केंस कहते हैं इन लॉन्ग रन बी ऑल आर डेड लॉन्ग रन में तो हम मर जाएंगे तो भाई शॉर्ट टर्म की स्टडी करो शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशन आती हैं इम्प्लॉयमेंट की या अनएम्प्लॉयमेंट की उनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एज अगेंस्ट शॉर्ट टर्म की स्टडी करनी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो अभी मैंने तैयार नहीं की किसकी है मैं देखूँगा कौन सी वीडियो है टिल देन टेक केयर हैव अ नाइस डे